के ओपन पिट माइनिंग में, ये माइनिंग का चैप्टर हम जो है इसे स्टडी कर रहे हैं कि जब माइनिंग हो रही हो तो उसके दौरान जो है एक्टिव माइनिंग के दौरान आप जो है वो किस तरह मैपिंग शैपिंग करते हैं, ठीक है। तो माइंस दो टाइप की होती है, ठीक है। एक आपके पास आ जाती है ओपन पिट माइन, जिसे ओपन कट माइन भी कहा जाता है, कि उसका यही होता है कि अगर आपके पास जो मिनरल है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप मतलब उनकी रेशियो निकालें कि जो ओवर बर्डन प्रेशर है या जो आपके पास जो डेब्रिस है ऊपर जिसको कह सकते हैं, अगर वो आप उसकी रेशियो आपके पास ज़्यादा आ रही है कि आपके पास मिनरल की क्वांटिटी ज़्यादा है और आपके पास ओवर बर्डन जो आपके पास डेब्रिस है जो वेस्ट मटीरियल है वो कम है, तो फिर इन केसेस में आप जो है वो करते हैं क्या नाम है ओपन पिट माइनिंग करते हैं, ठीक है। तो टनल माइनिंग तब करते हैं जब आप किसी सीम वगैरह के अलॉन्ग मूव कर रहे हो, ठीक है। कोई एक शॉर्ट सा बेड हो और उसका ओवर बर्डन आपके पास डेब्रिस बहुत ज़्यादा है तो फिर आप उसमें टनलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये उसका हमने देखा कि डिफरेंट जो है उसके स्टेप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें बर्न वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा वो जो हॉरिजेंटल आप उसके जो वेस्ट रिमूव कर रहे होते हैं उन्हें स्लाइसेस में रिमूव किया जाता है तो उनको फ्लिचेस कहा जाता है, ठीक। तो ये एक पिक्चर कल मैं देख रहा था, कल जिस टाइम में लेक्चर आप लोगों का नेक्स्ट तैयार कर रहा था, तो इसमें अपरेंट डिप और ट्रू डिप के बारे में जो है ये बात की गई है। यही आगे जो है क्योंकि यूज होगी जिस टाइम आप अंडरग्राउंड मैपिंग में जो कर रहे होते हैं ना किसी टनल के अंदर, तो उसमें ये आपको एक इशू होता है कि आप बाज दफा जो है गलती से अपरेंट डिप जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये इसकी जो फर्स्ट वन फिगर है जो लेफ्ट साइड पे है, साथ मैं ड्रा कर देता हूँ ये वाली, इसमें देखें वो जो आप ये बंदा खड़ा है जो ऑब्जर्व कर रहा है ये रिलेटिवली राइट साइड पे है, ये जो रेफरेंस बंदा है इसके, तो राइट साइड के होने की वजह से यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे शिफ्टिंग हुई हुई है सारे के सारे बेड्स की, ठीक है। इसमें से मार्कर बेड के तौर पे उसने जो है ये डॉट वाला जो कि आपके पास सैंडस्टोन सा बन रहा है इसका बेड देखा है, तो ये आपके पास इस तरह लगता है कि जिस तरह ऊपर का जो पोर्शन है वो आपके पास स्लाइड हो गया, नीचे के साइड पे स्लाइड हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप किसी ओब्लिक एंगल से उसे देख रहे होते हैं ना स्ट्राइक के, तो ओब्लिक एंगल की वजह से क्योंकि ये डिफरेंट यहाँ पे बर्म बने हुए हैं, ये एक उसका स्टूप है ये दूसरा स्टूप है, बर्म कहते हैं बेसिकली जो आपका एक इंक्लिनेशन के बाद ये जो शॉर्टर आपके पास हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है ना इसको बर्म कहा जाता है, ठीक है, ठीक, ये इसको स्टूप कहा जाता है, ठीक, जो आपके पास वर्टिकल कट डाउन आ रहा होता है। तो यहाँ पे एक बंदा जो है ये ऊपर सरफेस पे खड़ा है, ये आपके पास बीच में बर्म आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कट नहीं है, ये सिंपली आपके पास स्टेप है, स्टेप होने की वजह से अगर आप ओब्लिक खड़े हैं ना तो आपको इस तरह लगता है कि इसकी स्ट्राइक यहाँ पर से और फिर ये यहाँ पे जा रही है कि इन दोनों के दरमियान कोई स्ट्रक्चर होगा, आपको ऐसा फील आता है कि यार यहाँ पे कोई फॉल्ट है। जब तक आप उसके स्ट्राइक के अलॉन्ग उसको व्यू नहीं करेंगे ना तो तब तक आपको जो है अपरेंट डिप मिल रही होती है। अगर आप उसके लेफ्ट साइड पे खड़े हैं या आप उसके राइट साइड पे खड़े हैं स्ट्राइक के, तो वो आपको बीच में ये गैप जो आ रहा है, ठीक है, ये आपको जो है अपरेंट डिप शो कर रहा होगा, समझे आप। तो जिस टाइम आप किसी एक्सपोजर को इन पिट के फ्लोर्स पर से आप उसे स्टडी कर रहे होंगे जिस टाइम टो के ऊपर, तो टो पर से आप जिस टाइम उन्हें स्टडी कर रहे हैं तो अपने आप को फर्स्टली उस स्ट्राइक के अलॉन्ग अलाइन करें आप, ठीक है। अगर उसके अलॉन्ग आप अलाइन नहीं करेंगे, थोड़ा आपने शिफ्ट किया हुआ है लेफ्ट या राइट साइड पे, तो वो फिर आपको अपरेंट शिफ्ट शो करेगा, फिर जो आप डिप्स वगैरह ले रहे हैं वो डिप्स आपके पास जो है वो अपरेंट होगी, इस चीज की समझ आइए। यस सर। आज करते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग का, अंडरग्राउंड ओपनिंग का जो है जो टनल ओपनिंग होती है मोस्टली जो है उसमें शाफ्ट वगैरह लगाए जाते हैं ताकि वो जो है वो क्लैप्स ना कर जाए, जिस वो लिथोलॉजी पे डिपेंड कर रहा होता है उसकी जो मेकिंग होती है, ठीक है, कि आप उसमें टनलिंग करेंगे या शाफ्ट के थ्रू आप उसमें मूवमेंट करेंगे। आप सारों ने जो है वो खेवड़ा जो माइन है उसमें आपने ट्रेवल किया होना है ना, थर्ड सेमेस्टर में हर बंदा जिस टाइम स्ट्रेटोग्राफी पढ़ाई जाती है तो वो खेवड़ा गॉर्ज की तरफ लेके जाया जाता है, तो फर्स्ट उसका यही होता है कि आप लोगों को माइंड दिखाई जाती है, ठीक है। एक तो वो प्री कैम्ब्रियन का सॉल्ट भी आप देख लेते हैं, सेकंडली ये आप देखते हैं कि टनल माइनिंग कैसे होती है। तो उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने शेफ्टिंग सी उससे की हुई है, ठीक है,
वो मतलब लकड़ी के वहां पे जो है वो डंडे वगैरह लगा के, तो उन्हें शेफ्ट से लगा के उन्होंने ऊपर फ्लोर को भी सपोर्ट दिया होता है, पिलरिंग की होता है ना, ये उन पे होता है जहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल हो और ओवर बर्डन प्रेशर ज्यादा हो, जिसमें से आप जिस लिथोलॉजी में से आप ड्रिल करते हुए जा रहे हैं वो सॉफ्ट है और उसका चांसेस है कि वो कोलैप्स कर जाएगा। तो इसलिए जिस टाइम आप मटेरियल लो रिमूव कर रहे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे शेफ्टिंग भी उसके अकॉर्डिंगली लगा रहे होते हैं, ठीक है, ताकि वो उसके जो, क्योंकि होलो जो बनता जा रहा है उसकी वजह से ऊपर का जितना मटेरियल है या जो टनल है आपकी वो कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। तो सिंपल जो माइंस होती हैं, जो एक्सट्रैक्शन माइंस होती हैं, उनमें ये शेफ्टिंग का काम यूज किया जाता है, जो कि टनल्स होती हैं जो आपके पास रोड ट्रेवल्स के लिए होती हैं, जैसा ये आपके पास अताबाद की टनल होगी या फिर ये शिमला पहाड़ी वाली टनल होगी, इसमें फिर प्रॉपर इंजीनियरिंग होती है, इसमें जो है वो कंक्रीट के पिलर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो आपकी मैपिंग होती है ये डिपेंड कर रही होती है वो सर्वेयर की डिमांड क्या है, वो क्या चाह रहा है कि वहाँ पे जो है आप लिथोलॉजी को सर्वे करें या फिर जो है आप स्ट्रक्चर को सर्वे करें, तो उसकी जो डिमांड होती है उसके मुताबिक जो है आप मैपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसका आपने करना क्या है कि प्लान सर्वे करना है या फिर उसकी जो सेक्शन आपने बनाने हैं वो क्रॉस सेक्शन में बनाना है या फिर प्लान मैपिंग करना है, ये सारी चीज डिपेंड कर रही होती है सर्वेयर की डिमांड के ऊपर, ठीक है। तो इसमें जनरली जो है वो जो मैप बनाए जाते हैं वो आपके पास लार्जर स्केल के होते हैं, मतलब ये कि वो बहुत डिटेल्ड होते हैं, उसकी रेशियो आप देख लें 1:100 से लेके 1:10 तक हो सकते हैं। 1:10 वही के 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 10 मीटर, कि आप हर 10 मीटर के बाद जो है वो आप रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इतनी डिटेल सर्वेइंग हो रही होती है। बेसिकली ये होता है कि ये जिस टाइम भी आप किसी माइंड में जाते हैं, वैसे तो उसके जो रॉक एक्सपोजर होता है वहां पे 100% होता है, क्योंकि आप जो है वो फ्रेश रॉक्स के अंदर आपने कटिंग करके तो ड्रिल की हुई है, तो उसके अंदर आप जो है मूव कर रहे हैं, तो आपको एक्सपोजर जो है वो 100% आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्टिल प्रॉब्लम क्या होता है कि जिस टाइम वो ड्रिलिंग हो रही होती है एक्टिव माइनिंग की, तो उसकी वजह से वो डस्ट वगैरह उठती है, और डस्ट जो है उसकी वॉल्स पे, रूफ पे और फ्लोर पे वो जम जाती है, ठीक है। उसकी वजह से होता ये है कि आपकी जो लिथोलॉजी है वो थोड़ी लेस विजिबल हो जाती है। तो इसलिए आइडियल ये होता है कि आप उस जो सर्वेयर है जिसकी माइंड लीज है उससे आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो हाई प्रेशर वाटर के साथ जो है उसकी जो वॉल्स होती हैं और रूफ होती है उसको वो वॉशअप करता है, ठीक है, आपके सर्वे से पहले, क्योंकि एक्टिव ड्रिलिंग हो रही है, आपका फेस जो है वो फॉरवर्ड फेसिंग जो है उसके ऊपर जो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो उसके ऊपर जो ड्रिलिंग हो रही है उसकी वजह से वो धूल उठती है, तो धूल तो ऑब्वियसली एक कन्फाइंड एरिया है, ठीक है, एक टनल आपके पास है तो कन्फाइंड है, तो उसमें से जो है वो धूल जो है वो थोड़ी बहुत तो एग्जिट करेगी, बाकी सारी वहीं पे जम जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो आपने करना होता है वो ये करना होता है कि आप उस सर्वेयर को कहते हैं कि वो उसे प्रेशर वाटर के साथ उसकी दीवारें जो हैं और छत जो है वो वॉश कर दे। तो मोस्टली जो है ये जो मैपिंग की जाती है, जो रॉक्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, ये बैक एंड वॉल्स ऑफ द ओपनिंग के ऊपर किया जाता है, ठीक है। बैक जो है वो उसको कहा जाता है रूफ को, ठीक है। तो जिस टाइम आप मूव अप करेंगे किसी भी उसमें टनल में, तो वो आपके पास इसमें एक 3D फेस सा बन रहा होता है ना, ठीक। तो इसमें आपके पास तकरीबन 4 से 5 फेसेस बन जाते हैं आपके पास, ठीक है। एक आपका ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। एक आपके पास इसका वेस्ट का फेस बन गया, एक आपके पास ईस्ट का वॉल बन गई, ठीक है, इन्हें साइड वॉल्स कहा जाता है, ठीक है। एक आपके पास इसे बैक कहा जाता है, जैसे रूफ भी कहा जाता है, ठीक है, बैक या रूफ। और एक आपके पास क्या बन जाता है, फ्रंट फेस, ठीक है। तो इन सारों को जिस टाइम मिक्स किया जाता है तो यहाँ इसको कहा जाता है एक्सप्लोडेड मैप, ठीक है। जैसे एक्सप्लोड बॉक्स होता है ना, अब ये जिस तरह आप अक्सर जो है वो बंदा जो दूध के डब्बे होते हैं वो ये जूस के डब्बे पड़े हुए मिलते हैं, तो लड़कों का ये शौक होता है उसके ऊपर पाँव मार के फाड़ा जाता है उसको, ठीक है। तो वो एक्सप्लोडेड बॉक्स ऐसे ही है आपके पास, जब ये बनेगा एक आपके पास ये फ्रंट का आ गया, ठीक है, एक आपके पास रूफ का आ गया, एक आपके पास जो है ईस्ट वॉल का आ गया, एक आपके पास जो है वेस्ट वॉल का आ गया,
और अगर आप चाहते हैं कि प्लेनर हो तो साथ में आप फ्लोर का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कम से कम आपके पास कितने बन गए, 4 से 5 वहां पे मैप्स बनते हैं, ठीक। ये स्टिल डिपेंड करता है कि आपका वो जो सर्वेयर है वो उसकी डिमांड क्या है, ठीक है, और उसका जो है क्या नाम है एक्सपेंसेस कितने हैं उसके पास, ठीक है, कि वो कितना जो है अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इन सारे मैप्स को बनाने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा तो उसकी वजह से एक्सपेंसेस भी ज़्यादा बनेंगे। वरना नॉर्मली जो है सिंपली आप किसी एक वॉल की स्टडी कर दें, उसका भी मैप बना लें, तो दैट कैन बी सफिशिएंट, ठीक है। तो वही उसने कहा यहाँ पे कोई हार्ड रूल नहीं है कि आप जो है कौन सा जो है रेफरेंस फ्रेम यूज करें फॉर रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये डिपेंड कर रही होती है नेचुरली अवेलेबल जो आपके पास है उसके एट्रीब्यूट रॉक्स के, या फिर टाइम जो अवेलेबल है, या फिर मैप को यूज कैसे किया जाएगा, ठीक है। अगर डिटेल मैप को यूज करना चाह रहा है तो फिर आप उसे एक्सप्लोरेड बॉक्स बना के देंगे। एक जनरली वो वहाँ पे सब सरफेस में ट्रेंड देखना चाह रहा है कि आपके पास जो मिनरलाइजेशन है उसका जनरल ट्रेंड क्या आ रहा है, तो आप सिंपली एक फेज का मैप भी उसे दे सकते हैं, ठीक है। उससे भी वो जो है आपका पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो जो फ्लैट लाइंग स्ट्रक्चर हैं जैसा कि आपके पास बेडिंग होगी या फिर वेन्स होगी, तो उनको अगर वर्टिकल फेसेस के अलांग आप रिकॉर्ड करेंगे तो वो बेस्ट ऑब्जर्वेशन आएगी, ठीक है। वो वही चीज है कि अगर आप उसके अक्रॉस द स्ट्राइक जो बेड्स हैं, सॉरी जो सेक्शन है, उसको अगर आप स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास 1, 2, 3 सारे के सारे जो है वो आपको मिल रही होंगी, ठीक है। तो वो फेसेस जो उनको वर्टिकली कट कर रहे हैं, जिसमें जो है वो चाहे वो फ्रंट फेस आ रहा है या ईस्ट वॉल आ रही है या वेस्ट वॉल आ रही है या रूफ आ रहा है, ठीक। तो वो फेसेस को अगर आप स्टडी करेंगे इन द सिनेरियो के वहां पे जो है आपके पास फ्लैट बेडिंग है या फिर विंड्स वगैरह आप स्टडी कर रहे हैं, तो ये उन फेसेस पे आपके पास जो है अच्छा वो देता है रिजल्ट। इसी तरह अगर आपके पास वर्टिकल हैं बेडिंग वगैरह, ठीक, तो उसके हम जो है परपेंडिकुलर जितने फेसेस आ रहे हैं ना उनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है, समझ आई इसकी? यस सर। तो वही कि अगर आपके पास जो है आपके पास फ्लैट डिपिंग में है तो फिर आप उसको जो है क्रॉस सेक्शन में शो करें तो वो आपके पास जो है वो ज्यादा अच्छा आपके पास जो है उसके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, आपकी डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसी तरह अगर आपके पास स्टीप टिपिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो उन्हें अगर आप प्लेनर व्यू में शो करें, जैसे कि आपके पास स्टीप टिपिंग है तो इसको अगर आप ऊपर से स्टडी करते हैं और आप इसे प्लेनर व्यू में इसे मार्क करते हैं, और इसको स्टडी करने के लिए आपको उसका जो फ्लोर है उसको अगर आप स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली वो आपके पाँव के नीचे है, या फिर आप रूफ को स्टडी करते हैं वो आपके सर के ऊपर है, तो ऐसे ही केसेस में आपको जो है जो वर्टिकल फेसेस हैं वो ज्यादा आप इसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं उनके साथ, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि जनरल स्ट्राइक्स क्या है, जनरल जो है उसकी डिपिंग किस साइड पे है। तो जितना अगर स्टीप डिप करता जाएगा तो उतना जो है आप इसका रूफ या फिर फ्लोर का जो मैप है उनको बनाएंगे, जितना अगर वो फ्लैट में आ रहे हैं तो फिर आप उनकी साइड की जो है या फिर फ्रंट फेसिंग जो है उसके जो आपके पास एक्सपोजर्स आ रहे हैं उनको मैप करें तो वो ज्यादा आपको अच्छा देगा। बस दफा होता है कि अंडरग्राउंड में भी आपने ओपन स्टूप्स बनाए होते हैं, ठीक है। ओपन स्टूप्स ये हैं कि अंडरग्राउंड मैपिंग में भी आपने फ्लोर बनाए होते हैं, ठीक है। आप टनलिंग करके जा रहे हैं, अब जैसे आपने खेवड़ा माइन में देखा होगा कि अंदर अच्छे खासे वहाँ पे बड़े बड़े एरियाज तक वो उन्होंने जो है वो वाइडर उन्होंने टनलिंग की हुई है, फिर उन्होंने वहाँ पे डिफरेंट पूल्स भी बनाए हुए हैं, किसी को वो वहाँ पे उन्होंने मीनार पाकिस्तान भी बनाया हुआ है, कोई आंसू झील टाइप सी भी बनाई हुई है उन्होंने, तो वो वहाँ पे उनको कहा जाता है स्टूपिंग, ठीक है। स्टूपिंग ये कि वो तो उन्होंने टूरिस्ट के हिसाब से बनाए हुए, लेकिन आप अगर रियल माइन में किसी और माइन में जाते हैं जो अंडरग्राउंड है तो उसमें वो बेसिकली इस स्टूपिंग की होती है, ठीक है, स्टेयर के हिसाब बनाया होता है उन्होंने। तो वहां पे उसने कहा कि आपके पास ओनली अवेलेबल चीज क्या रह जाती है, अवेलेबल चीज रह जाती है आपके पास रूफ,
ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे तो साइड वॉल्स नहीं मिल रही, इस पोर्शन में, इस एरिया का तो मुझे साइड वॉल नहीं मिल रही, तो यहाँ पे आपके पास लिमिटेड रह जाते हैं आप रूफ की स्टडी के साथ, ठीक है, या फिर आप फ्लोर की स्टडी के साथ लिमिटेड रह जाते हैं अगर अंडरग्राउंड में वहां पे स्टूपिंग हुई हुई है। तो अगर जो आपकी ड्राइव्स हैं, मतलब आप जो ड्रिल कर रहे हैं या फिर आप जो टनलिंग कर रहे हैं, वो डोमिनेंट स्ट्राइक की डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो फिर आपके पास जो क्रॉस सेक्शंस हैं वो फ्रंट फेसिंग पे, वो आपके पास जो है मोस्ट इफेक्टिव होंगे, ठीक है, ताकि वो जो करंटली उसके अंदर आपके पास जो चेंजेस आ रही है मिनरलाइजेशन में, वो जैसा ये हो गया, ठीक है। अगर आप सिंपली फ्रंट फेस ये जो है इसको देखें, तो ये आपको वहाँ पे वो फर्दर बता रहा है कि ये जो ये वाली है आपके पास मिनरलाइजेशन में, अगर हम इसको कह देते हैं, तो ये आपके पास फर्दर जो है वो कौन से एंगल पे डिप कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये मोस्ट फ्रेश फेस होता है जो फ्रंट फेसिंग है, ठीक है। स्टिल समरी बात यही है कि इसका डिपेंड कर रहा होता है कि आप उसकी चारों साइडों पे देखते हैं, पांचों साइडों पे देखते हैं, जहाँ पे आपके पास बेस्ट आपके पास एक्सपोजर्स आ रहे हैं उनको आप मैप करते हैं। तो आइडियली ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप उन सारे एक्सप्लोर बॉक्स को आप बना लें, और उसमें से फिर आप सर्वेयर की डिमांड के मुताबिक कि वो क्या चीज़ चाह रहा है, कि वो कौन सी जो मिनरलाइजेशन एक बेड है उसके ऊपर फोकस करना चाह रहा है, तो उसका फोकस जो है उसके अकॉर्डिंगली आपके कौन से फेस के ऊपर उसकी बेस्ट अकॉर्डिंग जा रही है, ठीक है, तो उसको आप जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो इसका फ्रेमिंग हो रही होती है, ये बेसिकली जो है सरफेस के ऊपर जो आपकी ड्रिलिंग हो रही होती है, या सरफेस पे आपने जो इंटरप्रिटेशन किया है माइंड का, उसकी कोरिलेशन आप जो है इसके साथ कर रहे होते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल ये आपने सरफेस का एक मैप वहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट टाइम बना हुआ था, ठीक है, उसी के बेस पे आपने कहा कि यार यहाँ पे टनलिंग की जाए, ठीक है, तो इसका मैचअप जो है, या फिर अगर आपने वहाँ पे एक्सप्लोरेटरी ड्रिल बनाए हुए हैं, ठीक, तो इनका आपस में जो है स्केल अप्रोप्रिएट बराबर होना चाहिए, ठीक है, वही जो है हमने जैसा पिछले उसमें कहा सेक्शन में कि इसका जो स्केल होता है वो प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है, ताकि जिस टाइम वो आपस में ओवरले किए जाएं, तो ओवरलेइंग में इसका जो आपके पास माइंड का डेटा है, ठीक है, इसका जो सेक्शन है वो आपके ड्रिल लॉग के साथ भी मैच कर रहा हो और आपके जो सरफेस मैप है उसके साथ भी मैच कर रहा हो, ठीक है, तो वो जो स्केल है वो आप अप्रोप्रिएट यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि आपस में जो है इनकी जो प्रोजेक्शन है या ओवरलैपिंग है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर हो जाए। ये समझ आई आपको? नेक्स्ट में ये है कि जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं वो रिकॉर्डिंग आप कर रहे होते हैं अपनी वेस्ट हाइट पे, ठीक है, ये जो आपकी वेस्ट हाइट पे, ये जो आप एक इमेजिनरी प्लेन बनाते हैं ना, इसके अकॉर्डिंगली आप उसको रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे, तो ऑलमोस्ट आप जो है वो 3 फीट से 2.5 फीट से 3 फीट की जो आपकी बुलंदी आ रही है, तो वेस्ट हाइट के उसके अकॉर्डिंगली जो है आप इसको जितने स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहे हैं उनको आप रीड आउट करेंगे। उसका फ़ायदा ये है कि जो स्टेप वाइज वहाँ पे स्टूपिंग हो रही होती है वो प्लस एक सेकंड, ये हैंग हो गया थोड़ा सा, ठीक है, तो वेस्ट हाइट ऑफ द फ्लोर से आप कर रहे होते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जितना भी आप ये जो लेवल है ये प्रोड्यूस बाय द माइंड जो सर्वेयर है ना उससे किया जाता है। ये हाइट नॉर्मली जो आप चैनल सैम्पलिंग ले रहे होते हैं, बाद में जो आप जियो केमिस्ट्री के लिए अगर सैम्पलिंग ले रहे हैं तो एक चैनल के अलॉन्ग जो है उसे लिया जाता है। चैनल ये कि किसी आप मतलब एक सीरीज में आप ले रहे होते हैं एक चैनल के अलॉन्ग, जिसमें आपके पास मिनरलाइजेशन भी हो सकती है। एक चैनल से मुराद ऐसा है कि एक नाली के
जिस तरह आप बना लेते हैं, और इसके अलावा जो है आप वो सैम्पलिंग ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी नॉर्मली ऑब्वियसली आप जो है वो फेस हाइट से अबव तो नहीं ले सकते ना, ठीक है, वहाँ पे लेना आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है। तो कन्वीनियंट हाइट जो है वो आपके पास क्या बन जाती है, वो आपकी वेस्ट हाइट जो है वो कन्वीनियंट बन जाती है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी आपके पास वेल लॉग्स वगैरह होते हैं, जो वेल ड्रिल्स होते हैं, उनके साथ ये परफेक्टली ये वाला पोर्शन जो है वो मैचअप कर रहा होता है। तो वो उन्होंने कहा कि ये जो मैपिंग है, अगर आपके पास जो है वो प्लानर व्यू में आप दिखा रहे हैं, तो सिंपली उन्होंने ये कहा कि अगर जो वर्टिकल्स हैं तो उनको अगर जो आप चैनलिंग बाद में कर रहे हैं तो वो आप उनको जो है वो वर्टिकली ही कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आप जो है वो हॉरिजॉन्टल वाले हैं तो उनके आप क्रॉस कर रहे हैं, और जो वर्टिकल हैं इसके आप जो है वो इस टाइम परपेंडिकुलर ले रहे हैं ना। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आप सिंपली एक फेस को कर रहे हैं तो एक फेस जो है वो बाज़ दफ़ा सफिशेंट नहीं होता कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में जो नेसेसरी चीज़ आती है वो आपके पास ये है कि अगर आप वहाँ पे एक्सप्लोडेड मैप्स बनाएं, ठीक है, तो वो एक्सप्लोडेड मैप्स जो हैं वो कम्प्लेक्स फेसेस में आपको जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है, ठीक है, कि एक स्ट्रक्चर, क्योंकि आपके पास वहाँ पे लिमिटेड अमाउंट होते हैं, रीजनल आपको जो है उसकी ब्रॉडर पिक्चर दिखाई नहीं दे रही होती है, आपको लिमिटेड, आपको सिंपली फेसेस हैं, आप किसी एक ड्रिल होल के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना आप उसके मल्टीपल फेसेस यूज करेंगे उतना आपको जो कम्प्लेक्स लिथोलॉजी है कोई एक पोर्शन में आपके पास डिप है वो दूसरे के साथ जो है वो प्रॉपरली मैच कर रही है नहीं कर रही, ये चीज़ें जो है आप जैसे मल्टीपल फेसेस उसके स्टडी करेंगे तो ये आपको ज्यादा वो देता है, प्लस पॉइंट देता है, ठीक है। एक चीज और देखनी होती है, क्योंकि मोस्टली जो मैप्स होते हैं, जो सरफेस मैप्स होते हैं, वो बनाए जाते हैं अपने जो उनके फुट होता है उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन आ रही होती है उसके अकॉर्डिंगली बनाए जा रहे होते हैं ना। ऑब्वियसली आप जो है वो मूव कर रहे हैं इधर ऊपर, ठीक, तो आपकी फुट पे जितनी आपको लिथोलॉजीज वगैरह आ रही है उनको आप देख के बना रहे होते हैं। लेकिन जब आप टनल में होते हैं किसी में, तो टनल में वही सारे स्ट्रक्चर आपको जो है वो रूफ पे दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई जेड टाइप स्ट्रक्चर है तो आपको टनल में, जैसे ही आप उसे ऊपर फ्लोर में देख रहे होते हैं, तो वो आपके पास एस टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर आपने सरफेस पे वहां पे कोई मार्क किया है कि यहाँ पे जो है वो राइट लैटरल फॉल्ट था, तो अगर आप उसे बॉटम में से देखेंगे तो वो आपको मिरर इमेज दिखाई दे रहा होता है, ठीक है, तो वो आपको जो है वो लेफ्ट लैटरल साइड दिखाई देगा, सही है। तो ये चीज जो है वो आपने ज़हन में रखनी होती है कि आप जो है उसका मिरर इमेज देख रहे हैं, जो सरफेस पे मार्किंग हुई हुई है उसका, अगर आप सब सरफेस में उसके रूफ टॉप पर उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास उसका मिरर इमेज होगा। एक तो ना आपका पढ़ने का दिल करता है और ना इस किताब का पढ़ाने का दिल करता है, हैंग हो जाती है बार बार। सर ये कौन सा वाला बस दुरुस्त रहेगा सर, ऊपर से जो लिया जाता है या फ्लोर से सर? देखें, एट द एंड आपने इन दोनों को मैच करना होता है, ठीक है, जो सरफेस का मैप है और आपका जो टनल का मैप है, इन्हें मैचिंग करनी होती है ताकि जो है आप उसको जो है ट्रेस डाउन कर सके कि जो आपके पास मिनरल्स है या उसकी जो लिथोलॉजी है वो सब सरफेस में किस तरह मूव आउट कर रही है, ठीक है। तो क्योंकि आपने फर्दर जो है टनलिंग उसी हिसाब से कर रहे होते हैं, प्रोसीडिंग आप उसी हिसाब से, आप जो है मिनरलाइज जोन को ही हिट करेंगे ना, जो टारगेटेड जोन है, क्योंकि टनलिंग पे आपका अच्छा खासा एक्सपेंडिचर हो रहा होता है, तो आप उस जो प्रोस्पेक्ट जोन है उसको आप जो है जो प्रोस्पेक्ट लिथोलॉजी है उसको आप मिस नहीं करना चाह रहे होते, तो इसलिए आपको उन दोनों की आपस में मैचिंग करनी पड़ती है। तो वो उसने एक कहा, यहाँ पे एक जनरल रूल था कि अगर सरफेस पे कोई चीज जो मार्क हुआ हुआ है, कोई फीचर है, ये उसने एग्जांपल दी थी कि अगर कोई जेड टाइप स्ट्रक्चर है तो वो आपको सरफेस में से, जैसे ही आप ऊपर उस पर देखेंगे ना, उसके रूफ पे जो उसके बैक मैप कहा जाता है, ठीक है, उसके छत पे देखेंगे तो वो आपको जो है वो एस टाइप दिखाई दे रहा होगा, जेड वाला जो है वो एस की तरह दिखाई दे रहा होगा। और अगर सरफेस पे एस बना हुआ है, कोई फोल्ड बना हुआ है, एस टाइप फोल्डिंग बनी हुई है, तो आप सरफेस से जिस टाइम उसे देखेंगे तो वो आपको मिरर इमेज दे रहा होता है, ठीक है, उसका उल्टा, तो आपको जेड टाइप का बता रहा होगा। इसी तरह सरफेस के ऊपर अगर कोई आपने
आपको जो मूवमेंट है फॉल्ट की वो लेफ्ट लेटरल आपको रिकॉर्ड हुई हुई है, तो आप सब सरफेस में माइंड में जिस टाइम आप उसे फ्लोर पे देखेंगे, उसे सॉरी रू पे देखेंगे, तो वो आपको जो है उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है सर। मोस्टली उसने ये कहा कि ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी मैपिंग चॉइस क्या होगी। ठीक है, ये सारे के सारे डिपेंड कर रहा होता है कि आप जो है उसका पर्पस क्या है। ठीक है, या फिर आप जो है उसको जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो डिटेल स्केचेस में करना चाह रहे हैं, तो या फिर आप जो है उसे सेपरेट मैप्स बनाना चाह रहे हैं या सेक्शन बनाना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि उसकी जो डिमांड है सर्वेयर की वो क्या है। ठीक है, तो वो मोस्टली जो यहाँ पे आप यूज करते हैं वो किया जाता है टेप एंड कंपास मेथड। अगर आपके पास जो है ज्यादा टाइम है तो, अगर आप के पास अवेलेबिलिटी है तो आप उसे प्लेन टेबल भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है क्योंकि थोड़ा क्विकर होता है, आप इतना टाइम उसका होल्ड नहीं कर सकते उसकी ड्रिलिंग को। ठीक है, तो वो आपको तकरीबन 1-2 घंटे ही देगा कि उसके अंदर आप जो है एडवांसिंग में, अगर वो फॉर एग्जांपल 30 मीटर या 50 मीटर का आपने उसके साथ किया हुआ कि यार हर 50 मीटर के बाद जो है आप रोकिएगा अपनी ड्रिलिंग और हम जो है उसको स्टडी करके मैप करेंगे ताकि हमें पता लगे कि जो मिनरलाइजेशन जोन है उसका आगे फर्दर ट्रेंड किया जा रहा है, ये ना हो कि हम उसे मिस आउट कर दें। ठीक है, उसका हर डेफिनेट आपने इंटरवल के ऊपर किया होता है कि ये जैसे आपकी टनल है ये मूव कर रही है। ठीक है, आपने इसे कहा होगा कि आप 30 मीटर के बाद जो है उसे रोकेंगे टनलिंग को हर 30 मीटर के बाद, तो उसको मैं स्टडी करूंगा। ठीक है, उसकी वजह ये है कि आपके पास जो है जो मिनरलाइजेशन जोन है वो क्या पता यहाँ पर से फर्दर आगे जो है वो डिप डाउन कर जाए अब्रप्टली, तो अगर आप उसको टाइम टू टाइम उसे रोकेंगे नहीं तो वो आगे फर्दर यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, उसके चांसेस ये हैं कि वो आपका जो मिनरलाइजेशन जोन है जो कि ये मैंने यहाँ पे ब्लू के साथ डिफाइन किया हुआ है, इसको आप मिस आउट कर देंगे। इसलिए आपने उसके साथ जो है वो सेट किया होता है कि यार कितने इंटरवल के बाद जो है वो रोके और उसको आप जो है रिकॉर्डिंग या मैपिंग करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है वो मोस्ट क्विकर यही होता है कि आप जो है वो कंपास एंड टेप मेथड यूज कर रहे होते हैं, वो मोर क्विकली है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि बाज दफ़ा आपकी जो कंपास है वो सब सरफेस में वैसे तो वो नॉर्मली ठीक काम करती है, क्योंकि कंपास जो और जीपीएस में प्रॉब्लम ये है कि जीपीएस सैटेलाइट का डेटा यूज़ कर रहा होता है, तो उसका हमने लिमिटेशन में देखा था कि वो ओपन सरफेस में या आपके पास ट्रांसलूएंट सरफेस हैं उनमें वो बेटर काम कर सकता है, लेकिन अगर वहाँ पर मेटल सर्फेस हैं किसी मतलब आप अंडरग्राउंड में चले जाते हैं या किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर उसके सिग्नल पेनिट्रेट नहीं करते, जबकि जो कंपास है वो सिंपली काम कर रही होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता कि आप अर्थ के अंदर आप पेनिट्रेट करके जा रहे हैं जो है आप टनल के अलांग जा रहे हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो। ठीक, तो जो कंपास है वो आपकी अंडरग्राउंड में भी अच्छी तरीके से काम करती है, लेकिन शर्त ये है कि बाज रॉक्स जो है उसमें जो है वो मैग्नेटिक एलिमेंट होता है या कोई आयरन वगैरह के कंटेंट होते हैं, क्योंकि आयरन आपके अबंडेंट उसमें आता है एलिमेंट्स में, तो इसलिए जो बेहतर ये है कि आप उसके साथ इंटरेक्ट होके उसके साथ टच करके जो है वो मत यूज करें। वैसे भी जो है माइंड सेफ्टी के आगे जो रूल्स हैं उसमें भी ये बताया गया कि माइंड के जो वॉल होती है उसके कोलैप्स होने का खतरा होता है, तो इसलिए जो है आप वॉल के साथ मत चिपके। ठीक, उससे तकरीबन आपके पास अगर 1 मीटर का भी डिफरेंस है आप उसकी स्ट्राइक टिप वगैरह ले सकते हैं तो वो आप जो है उससे लें। ठीक है, कल भी हमने कहा कि जिस टाइम जरियाब ने क्वेश्चन पूछा था कि यार अगर कोई रॉक्स होते हैं वो उसके अंदर जो है ये मैग्नेटिक एलिमेंट हो या फिर आयरन के एलिमेंट हो तो उनके ऊपर कंपास जिस टाइम आप यूज करेंगे तो वो ऑब्वियसली जो है वो आपको वहाँ पे वो शो करता है, क्या नाम है, डिफ्लेक्शन शो करेगा ओरिजिनल के साथ। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि आप उससे जो है तकरीबन 1-2 फुट के फासले से करें तो तब भी वो आपको उसी तरह अफेक्ट कर रही हो। ठीक है, ये एक वीक फोर्स होती है, वीक फोर्स ना होती तो ऑब्वियसली आप गुजर रहे हो किसी पाइपलाइन के करीब से तो आप उसके साथ आपके पास अगर मेटल की बेल्ट वगैरह लगी हुई तो आप उसी के साथ पाइप के साथ चिपके हुए होंगे, है ना,
नहीं तो ऐसे होता कि आपने मेटल की बेल्ट का बखल लगाए हुए, तो आप यहाँ से उड़ते उड़ते जो है पोल्स के साथ जाके चिपक जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये माइल्ड सी होती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती जो अर्थ की अपनी नेचुरल फील्ड है। जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर पास से हाई टेंसिव वायर्स गुजर रही हैं, तो वो आपको मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे स्ट्रांग जनरेट होती है। ठीक है, तो अब सब सरफेस माइनिंग में मोस्टली जो है वहाँ पे ये नहीं होती, जो एक्टिव माइनिंग हो रही होती है उसके अंदर जो है ये हाई टेंसिव वायर्स नहीं गुजारी जा रही होती, तो इसलिए जो है वहाँ पे जो अर्थ की नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो वहाँ पे कंपास को इन एनी केस अगर आप उससे एक दो फुट के फासले पे या अपनी जो आपकी फील्ड नोटबुक है या फील्ड का जो आपका बोर्ड है क्लिप बोर्ड, उसे आप उसे और रॉक के दरमियान में रख के, ठीक है, उसकी स्ट्राइक या डिप ले लें, तो वो आपके लिए जो है वो उसके इफेक्ट नहीं डालेगा उसकी स्ट्राइक और डिप के ऊपर। सेकेंडली, ये एक फाइनल पिक्चर है इसकी कि बार दफ़ा चांसेस होते हैं कि आप जिस टाइम माइन में उसकी डिप ले रहे होते हैं तो आप उसकी अपरेंट डिप ले लेते हैं। अगर आप सिंपली एक ही फेस को इनकॉर्पोरेट करके सिंपली एक ही फेस को स्टडी कर रहे हैं तो उसके अलॉन्ग जिस टाइम आप डिप लेंगे तो चांसेस है कि आप उसकी जो है अपरेंट डिप ले रहे होंगे। जो मैंने अभी इस लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया कि अगर आप अलॉन्ग द स्ट्राइक खुद को अलाइन करके नहीं देख रहे तो आप जो है चांसेस हैं कि वो आप उसको जो है जो उसकी डिप और जो उसकी स्ट्राइक आप ले रहे हैं वो अपरेंट ले रहे हैं। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप उसके चारों फेसेस को ट्रेस करें। ठीक है, जिस तरह ये अगर आपके पास हम कहते हैं कि ये एक लिथोलॉजी है, ठीक है, तो ये ट्रेस डाउन हो रही है इस तरह, यहाँ पे इसकी जो है डिप वेरी कर सकती है इस साइड की डिप से। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका ये पोर्शन और ये पोर्शन है, यहाँ पे आप कम्युलेटिव इसकी डिप और स्ट्राइक लेते हैं। ठीक है, अलॉन्ग द स्ट्राइक आप इसके जो परपेंडिकुलर होगी वो आपकी ट्रू डिप होगी। ये समझ आइए? यस सर। ठीक है, तो सिंपली अगर आप एक ही फेस के डिपेंडेंट होकर उसे स्टडी कर रहे हैं तो चांसेस है कि आप उसको अपरेंट डिप जो है वो मार्क कर रहे हैं। फिर माइंड सेफ्टीज में आ जाते हैं। माइंड सेफ्टी आपको पता है कि मोस्ट डेंजरस प्लेस है माइंड ऑन द अर्थ, क्योंकि अक्सर हम यही सुनते रहते हैं कि जी जो है कोयले की माइन जो है वो सबसाइड कर गई, कोयले की माइन में जो है वहाँ पे मीथेन गैस, जो कोल बेड माइन मीथेन थी सीबीएम, उसकी कसरत की वजह से वहाँ पे जो जितने ड्रिलर थे, ठीक है, वो जो है वो हादसे का शिकार हो गए क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो जाती है। इसलिए नॉर्मली क्या किया जाता है कि जो माइंस होती हैं कोल की माइंस, वहाँ पे दिया रोशन किया जाता है। ठीक है, दिया इसलिए रोशन किया जाता है कि अगर दिया बुझ जाता है तो इट मीन्स कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है और वो टाइम है कि आप जितने वर्कर्स हैं वहाँ के उनको आप एक्सट्रैक्ट कर दें। ठीक है, और स्पेशली बाज ऑफ अगर ओल्ड माइंस हैं जिस तरह आप खेवड़ा में भी जाते हैं तो वो आपको जो गाइड होता है वो सब बंदों को स्टार्ट में ही वो कहता है कि इसकी जो शाफ्ट वगैरह है इनको टच मत कीजिए, इनकी वॉल्स के करीब आप मत जाएं। ठीक है, दरमियान में से हो कि जितना हो गुजरे, क्योंकि वो शेफ जो हैं वो ये सिकंदर आजम के दौर में उसके घोड़ों ने उसे जो है डिस्कवर किया था, खेवड़ा की जो आपकी माइन है खेवड़ा साल्ट का। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो घोड़ों के ज़माने से 18th century से यहाँ पर एक्सट्रैक्शन हो रही थी, तो तब की ये माइंस हैं। ठीक है, तो उसमें शेफ्ट वगैरह भी जो हैं वो पुरानी हो सकती है, अब लकड़ी लगी हुई है तो उसके चांसेस हैं कि वो खोखली हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे चांसेस होते हैं, या तो आप जो है ऊपर क्लैप्स का हो जाए, या फिर जो ऊपर से रॉक फॉलिंग के आपके ऊपर चांसेस होते हैं, या फिर आपको पता नहीं है और शिफ्ट चेंज होगी और पीछे से कोई मशीनरी जो है वो ड्रिल करती हुई दूसरी साइड से, क्योंकि जो सर्वेयर होता है उसको तो पता होता है कि कौन सी साइड पर से वो अभी ड्रिलिंग स्टार्ट हो रही है, तो आप किसी एक टनल में काम कर रहे हैं और दूसरी टनल ने उसको जो है क्रॉस कट कर दिया, तो या फिर होल्स वगैरह वहाँ पे होते हैं पिट होल्स से। ठीक है, कहीं पर कोई सबसाइड हो गया बारिश की वजह से, तो अब जिस तरह खेवड़ा की माइन में आप जाते हैं तो वहाँ पे हल्की हल्की जो है ऊपर से टिपक रहा होता है। ठीक है, तो वो उनसे पूछा कि ये क्या है, तो वो कह रहे थे कि जो ओवर बर्डन जो ऊपर जिसकी जितनी लेथोलॉजीज हैं जिसमें आपके पास जो है ऊपर माल्ट का पोर्शन आ रहा था ना उसके ऊपर, साल्ट के ऊपर माल्ट का मेम्बर आता है, तो ये जो बारिशें वगैरह होती हैं इस बारिशों की वजह से वो सीप डाउन कर जाता है। अब नीचे साल्ट है, साल्ट तो वो केमिकली रेजिस्टेंट नहीं होता,
तो वो जो है वो डिजॉल्व हो जाता है और उसमें जो है आपके पास चांसेस हैं कि होल्स वगैरह बन रहे होते हैं, ठीक। तो ये अगर हैवी बारिशें वगैरह हो रही है तो आप माइंस वगैरह में ना जाएं। तो फर्स्ट थिंग जो आपकी ये होती है कि जिस टाइम आप किसी माइन को अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है जो कि शिफ्ट का इंचार्ज है या मेन आपका फोरमैन है, जिसको सारी इंफॉर्मेशन पता है कि जिसके कंट्रोल में आती है सारी शिफ्टें वगैरह, ठीक है, मशीनरी भी, तो उसके कम अज कम कान में पड़ा हो कि अंदर जो है एक बंदा वहां पे मैपिंग कर रहा है, ठीक है। आप ब्लाइंडली मत चले जाएं वहां पे, ठीक है। सेफ्टी रूल्स वगैरह जो है उन्हें फॉलो करें, जो माइंस की सेफ्टी रूल्स होते हैं। उसके अलावा जो है आप जो क्लॉथिंग है सेफ्टी गियर्स, उसमें आपके पास हार्ड हैट आ जाता है, ठीक है, उसके बगैर मत जाएंगे। अगर रॉक फॉल होता है तो वो आपको लग सकती है। इवन कि आप अगर नॉर्दर्न एरियाज में भी जा रहे हैं ना फील्ड के लिए, तो जियोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक ये रॉक एक्सपोजर को अप्रोच नहीं करेगा, वहाँ से सैंपल नहीं लेगा, उसे स्टडी नहीं करेगा, तब तक इसकी जो स्टडी है वो अधूरी रह जाती है, ठीक। तो इसलिए से जब आपको अप्रोच करना पड़ता है तो बेसिकली आप जो है अपना हार्ड हैट लाजमी रखें, क्योंकि ये कोहिस्तान का एरिया जिस तरह है ना, इसमें लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए जो कोहिस्तान के इवन के आप वो नहीं देख लें कि वो जो लोकल गाड़ियाँ चल रही होती हैं उनमें अक्सर के उनके शीशे टूटे होते हैं या डेंट पड़े होते हैं। तो दूर कहीं ऊपर जो है वो बकरी चल रही होती है, उसके पाँव के नीचे से कंकर एक स्लिप होता है, वो जो नीचे पहुँचता है ना रोड तक, तो वो गोली की स्पीड से हो रहा होता है। तो इसलिए इन केसेस से बचने के लिए बेस्ट ये है कि आप हार्ड हैट वो जो होता है माइनर्स वगैरह के पास वो आप लाजमी रखें, सेफ्टी ग्लासेस हों,